हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद जलाकर हत्या करने के विरोध में कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सामाजिक संगठन केन पाल ने मोमबत्ती जलाकर शांति मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। संगठन का कहना है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और जल्द से जल्द अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हैदराबाद में एक लड़की के साथ हुई अमानवीय घटना के बाद पूरे देश में रोष व्याप्त है। भोपाल के व्यापम चौराहे पर कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सामाजिक संगठन केनपाल ने मोमबत्ती जलाकर शांति मार्च निकाला एवं दर्दनाक घटना की घोर निंदा की। सीबीओए के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी के त्रिपाठी का कहना है कि इस तरह की घटना करने वाले अपराधियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना ना हो। इस दौरान बैंक के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हैदराबाद में जो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ जो जघन कृत्य किया गया है, जो अमानवीय कृत्य किया गया है, उसके विरोध में आज कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने एक मौन यात्रा निकाली थी चिनार पार्क से लेके अपने व्यापम चौराहे तक। इसमें हमारी मांग है कि जस्टिस तेजी से तेजी मिलना चाहिए और जो अपराधी हैं उनको सजाए फांसी दी जाना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।